हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश करने से पहले क्या हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना यहां पर हमें लॉस हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कितना यहां पर प्रॉफिट होगा, कितना हमें लॉस होगा। एक यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं, ये कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पर इतना प्रॉफिट होगा ही होगा या फिर यहाँ पर इतना लॉस होगा ही होगा। और वो भी हम मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशंस में यहाँ पर लॉस होता है और किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी SBI एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है और उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। हो जा ओपन, इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप अभी मेरा यहाँ पर जो बैलेंस है वो देख सकते हैं 487,802 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो मेरी स्कीम है वो भी आप देख सकते हैं, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है ये रेगुलर प्लान ग्रोथ है और इसकी NAV है वो है 382, ठीक है। और जब भी मैंने इस यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया था और जब भी मैंने इसकी NAV खरीदी थी, ठीक है, तो वहाँ पर उस समय थी 282। तो आज की डेट में 100 NAV पर रेट जो है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड यानी कि न्यू इन्वेस्टमेंट पर सिंपली क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर आप कौन से म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से म्यूचुअल फंड में आप पैसे को यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, तो क्योंकि तभी हम उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI के बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं। जो कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, ठीक है, जो कि मैंने इसमें खुद निवेश कर रखा है, तो इसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी के ही बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं और इनके अन्य के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसी के ही बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आप अन्य प्लान के बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली जाता हूँ क्रोम में मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। मैं इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 384 NAV है, ठीक है। वहाँ पर 82 दिखा रहा था, यहाँ पर 84 दिखा रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट ये है कि आपको पहले ही बता देती है, यहाँ पर जो डाटा है वो पहले ही शो हो जाता है, ठीक है, कि लॉस होने वाला है कि प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऊपर की ही तरफ है, नीचे वाला SIP का है और ऊपर वाला म्यूचुअल फंड का है, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। सीधे सीधे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके कैलकुलेटर पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कितना पैसा आप निवेश करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 मान लेते हैं। अगर आपने पीछे की डेट हम बात कर लेते हैं, आज की ही डेट 9/7/2023 यानी कि 2023 में अगर आपने 1,00,000 रुपए इसमें दिए होते, तो यहाँ पर आज की डेट बात कर लेते हैं हम 9/7/2024 यानी कि जो आज की डेट है, अगर आज की डेट में हम बात कर लेते तो यहाँ पर हमें 48,103 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता, यानी कि 1 साल में 1,00,000 पर, ठीक है। और वो टोटल हमारे पैसों की वैल्यू होती वो होती यहाँ पर 1,48,103 रुपए और 13 पैसे, जो कि वैल्यू होती हमारे इन पैसों की, ठीक है, आज की डेट में। तो आप इससे ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको हो सकता है आने वाले समय में इतना ही प्रॉफिट हो, ठीक है, या हो भी सकता है कि आपको यहाँ पर लॉस हो जाए। अब लॉस किस कारण में होता है वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी 2019 में COVID-19 लगी थी, ठीक, यानी कि कोरोना से दुनिया है वो जूझ रही थी, ठीक है, और ऐसे में पूरा भारत था वो यहाँ पर समझो लॉक कर दिया गया था, कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सकता था और न बाहर से अपने परिवार वालों से जल्दी मिल सकता था एक गांव से दूसरे गांव में, ठीक है, इस तरीके से था। तो ऐसे में ये था कि पूरी कंपनियां थी
जो कि कारोबार था वो यहाँ पर बंद हो गया था। तो ऐसे में यह है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो ऐसे में जो मार्केट है वो यहाँ पर शेयर मार्केट वो यहाँ पर क्रैश हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे में यह है कि जो शेयर की वैल्यू है वो यहाँ पर घट जाएगी। तो ऐसा होता है तब यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, इस कंडीशंस में। अब यहाँ पर प्रॉफिट किस तरीके से होगा, जैसे कि आप इसमें पैसा निवेश करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो अपनी 1% के हिसाब से यहाँ पर वो अपनी कमीशन ले लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपये जमा किए तो 1,000 रुपये हैं वो उसके फंड मैनेजर के कमीशन में चले जाएंगे, बचे आपके 99,000 रुपये, ठीक है। तो वो 99,000 रुपये हैं वो आपके इसमें जमा हो जाएंगे और इसी के साथ में उन पैसों को लगाया जाएगा अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग म्यूचुअल फंड में, अलग अलग आपके जैसे कि गोल्ड में, ठीक है। कम से कम वो पैसा है वो 15 जगह लगता है, ठीक है, 15-16 जगह, हो सकता है ज़्यादा भी जगह लगता हो या फिर कम भी जगह लगता हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको मान लेते हैं यहाँ पर 10 कंपनियों में, ठीक है। अब 10 कंपनियों में अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर वो पैसा लगाता है तो यहाँ पर अगर ऐसे में आपकी 3 कंपनी वो लॉस में भी चले जाती है ना, तो बाकी की बची 6 कंपनी, ठीक है। तो 3 कंपनी उस लॉस के लिए यहाँ पर रिपेयर करेंगी और बाकी की 3 कंपनी आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके देंगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर यानी कि निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि आप निवेश कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये आपके ऊपर है, मेरा सिर्फ जानकारी देने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर भी बैक कर देता हूँ थोड़ा सा और मैं दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को और भी देख सकते हैं, इसके ग्राफ को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर कितना ग्राफ है वो यहाँ पर कब कब डाउन हुआ है और कब कब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी ग्राफ नीचे की तरफ आया है तो कभी ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये डरना नहीं है कि क्योंकि मैंने इसमें जब भी पैसे पहली बार निवेश किए थे और मैंने जब म्यूचुअल फंड में पहली बार आया था तो यहाँ पर मुझे अपने जो पैसे थे वो घटते हुए नजर आए, यार अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि बढ़ने की जगह इसमें पैसे घट रहे हैं, ठीक है। एक बार मेरे मन में आया कि पैसों को निकाल लूँ क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने कि अब इतना लॉस हो ही गया है और 15% ऊपर से दूंगा, उसके बाद में पैसे थे वो बढ़ने लगे 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 5,000 बढ़े, 10,000 बढ़े, ऐसे बढ़ते चलते रहे, ठीक है। और आज की आपने जो अमाउंट थी वो आपने यहाँ पर देख ही ली है, 10 मंथ के लमसम हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, मैं इन पैसों को निकाल सकता हूँ, वो लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे, ठीक है। और 1 साल से मैं पहले निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे 15% गवर्नमेंट को देना होगा, और आप मैं 1 साल के बाद निकालता हूँ तो 10% देना होगा, और इसी के साथ मुझे 1,00,000 पर छूट भी मिल जाएगी। तो ये तो था कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियोस में मिल गया होगा, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।